मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा का पाउडर, जामुन की गुठली का पाउडर, करेले का पाउडर और मेथी दाना, ये चारों को पीस के बराबर मात्रा में शीशी में भर के रख लो। यही दवा है डायबिटीज की। इसको खाना कैसे है? एक चम्मच सुबह खाओ, एक चम्मच शाम गर्म पानी के साथ, खाना खाने से एक घंटे पहले। ये तरीका है खाने का। बस 4 से 6 महीने कोई भी खा लेगा, शुगर सबकी ठीक हो जाएगी। मैंने हजारों लोगों की शुगर ठीक की है इस छोटी सी नुस्खे से, और ये नुस्खा मेरा नहीं है, आयुर्वेद का है। इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, खर्चा बहुत कम होगा, दवा आसानी से आप खुद बना सकते हो, और इस दवा को एक्सपायरी डेट नहीं है, खत्म हो जाए और बना लो, फिर खत्म हुई और बना। तो आप याद रखो, ये दवा डायबिटीज की बहुत अच्छी दवा है, और डायबिटीज के मरीज ये दवा खाते खाते थोड़ा प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम और कपालभाति, तो और जल्दी ठीक होगा, बहुत जल्दी शुगर ठीक होती है। और मैंने बहुत मरीजों के शुगर ठीक की, और उसके बाद जब शुगर ठीक हो जाती है ना, तो मैं उनकी ये दवा बंद करा देता हूँ, फिर उनसे कहता हूँ 200 ग्राम चीनी खा के देखो एक दिन, वो खाते हैं और एक यूनिट उनकी शुगर नहीं बढ़ती, फिर इतनी बढ़िया दवा है। आप भी इसका इस्तेमाल करो अगर घर में किसी को डायबिटीज है तो। दूसरी दवा बताता हूँ हृदय के लिए, हृदय की सब बीमारियों की एक दवा अपने घर में है। जैसे हृदय का ब्लॉकेज है कहीं पे, डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन कराओ, मत कराना, क्योंकि 2-3 लाख खर्च होगा और वो ऑपरेशन बेकार है, 7-8 महीने बाद वो बेकार हो जाता है। हृदय के ऑपरेशन में डॉक्टर एंजियोप्लास्टी जब करता है ना, तो एक छोटी सी स्प्रिंग डालता है, वो स्प्रिंग एक तो 10 रुपए की बनती है और आपको वो 2.5 लाख रुपए में डलती, लूट बहुत है उसको, और दूसरा वो स्प्रिंग 6-7 महीने में ही बेकार हो जाती है। आपने ऑपरेशन कराया, 6-7 महीने ठीक रहेगा, फिर दोबारा अटैक आ सकता है, तो क्या फायदा 2-3 लाख खर्च के? इससे अच्छा ऑपरेशन मत कराओ। फिर क्या करो, अपने घर में एक दवा है वो खाओ। वो दवा क्या है? घी का रस पियो, घिया है ना, घिया, वो हृदय की सबसे अच्छी दवा है। घी के छोटे छोटे टुकड़े करो, छिलका मत उतारना, इसको मशीन में डाल के रस निकाल लो। अब इस रस को पियो, इसमें थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा पुदीना पत्ता, थोड़ा तुलसी पत्ता पीस के डाल दो, 8-10 पत्ते धनिया, 8-10 पत्ते पुदीने, 8-10 पत्ते तुलसी, थोड़ी काली मिर्च, और लगातार 4 से 6 महीने पिला दो किसी को भी घी का रस, उसका 99% अगर ब्लॉकेज है तो वो भी निकल जाता है। घिया इतनी बढ़िया दवा, और ये घी का रस जो भी पिएगा ना, सबका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, बीपी ठीक हो जाएगा, घी का रस जो भी पिएगा उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड ठीक होगा। लगातार घी का रस पीते रहो तो शुगर भी ठीक कर देता है, बहुत बढ़िया है, और घिया सब जगह मिलता है, आसानी से मिलता है। बहुत लोगों के मन में आजकल एक डर बैठ गया है कि घी में इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर क्या करें? अगर घी में इंजेक्शन लगा दिया तो उस घी को मत लेना, पहचान कर लेना उसकी, इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा। आप बोलोगे कैसे पहचाने? घी को हाथ में पकड़ो और उसमें नाखून जो है ये गड़ाओ, अंगूठे का नाखून, तो ये घुस गया अगर घी में तो घिया एकदम शुद्ध है, और ये नाखून नहीं घुसा तो समझ लो उसमें इंजेक्शन लग गया, तो वो घिया मत ले लो जिसमें इंजेक्शन लग गया। माने नाखून जिसमें नहीं घुस रहा है वो घिया छोड़ दो, और जिसमें नाखून घुस रहा है वो ले लो। घिया अपने घर में भी पैदा कर सकते हो, थोड़ी भी खाली जमीन है लगा दो उसमें एक बीज, उसकी बेल आ जाएगी, घिया मिले। और कुछ दवाएं बताता हूँ, बवासीर है, बगंदर है,
इसकी दवा अपने रसोई में है, उसका नाम है काला दाख, काला मुनक्का। ये जो काला मुनक्का है इसको रात को पानी में डाल दो, 5-6 मुनक्के रात भर पानी में रखो, सवेरे उस मुनक्के को खोलो तो उसका बीज निकाल दो, बीज उसका जहरीला है मत खाना, तो बीज निकाल के मुनक्का चबा के पीछे से वही पानी पियो जिसमें आपने मुनक्का डाला। 4-6 महीने आप खा लोगे मुनक्का तो बवासीर बिल्कुल ठीक हो, बगंदर भी ठीक होगा, फिशुला भी ठीक होगा, ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं। और जब ताजा अंगूर मिलता हो ना तो काला अंगूर ले लो, उसको पीस के उसका रस निकाल लो, आधा कप रस सवेरे निन्ने पेट पी लो तो भी बवासीर ठीक होगा, बगंदर ठीक होगा। अपने घर में और एक दवा है, उसका नाम है मूली। मूली का नीचे का हिस्सा है ना सफेद वाला, उसको पीसकर उसका रस निकाल लो आधा कप, और वो रस खाने के आधा घंटे बाद पियो सुबह शाम, तो 20-20 साल पुराना बवासीर ठीक हो जाता। इतनी अच्छी दवा है, घर में ही है, गोली छूट जाती है इससे। किसी की नाक हमेशा बंद रहती है, उसको ये गाय का घी डाल दो, नाक खुल जाएगी, तो बहुत अच्छी दवा है। ऐसे ही गले के दर्द में, गले के दर्द की सबसे अच्छी दवा हल्दी है। हल्दी ले लो और गर्म दूध में या गर्म पानी में पी जाओ, उसको सब गले के दर्द ठीक करते। बच्चों के गले में अक्सर दर्द होता है टॉन्सिल्स का, तो ऑपरेशन मत करा, ये हल्दी लेना आधा चम्मच और मुंह खोल के अंदर डाल देना यहाँ पे, और फिर 1 घंटे कुछ खाने पीने को नहीं देना, 1 घंटे में ये सारी हल्दी नीचे उतर जाएगी, और एक बार आपने हल्दी डाली जिंदगी भर के लिए टॉन्सिल ठीक हो जाएगी। ऐसे ही गले में आवाज बैठ जाए, खारिश हो जाए, तो 2 ले लो काली मिर्च, चूसो बहुत अच्छे से आवाज खुलेगी। काली मिर्च के साथ थोड़ा मुलैठी ले लो और उसके साथ थोड़ा दालचीनी ले लो, अच्छे से और गला खुल जाए, बहुत बढ़िया दवा। ऐसे ही गले में एक बीमारी है थायराइड की, हाइपर थायराइडिज्म, इसकी बहुत अच्छी दवा है, धनिया पत्ते की चटनी बनाओ, 1 चम्मच चटनी आधे गिलास गर्म पानी में मिला के पियो, तो थायराइड की सारी बीमारी ठीक, और थायराइड ठीक है तो मोटापा अपने आप कम हो जाता। छाती के रोग हैं, दमा अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा, इसके लिए दालचीनी लो पाउडर बनाओ, और चम्मच आधी दालचीनी पाउडर, चम्मच आधी शहद, दोनों मिला के चाट के खाओ, 3-4 महीने में दमा अस्थमा सब ठीक होगा। एक और दवा है गाय का मूत्र, गाय का पेशाब, देसी गाय का मूत्र आधा कप कोई भी पिए तो दमा अस्थमा ठीक कर देता है, महीने में ही ठीक करता है, और टीबी 1.5-2 महीने में ठीक होती है। अंग्रेजी दवा टीबी के लिए खाओ तो 9 महीने लगते हैं, और गोमूत्र पी लो तो 1.5-2 महीने में ही टीबी ठीक है। सब दवाएं हैं अपने पास, एक भी ऐसी बीमारी नहीं जिसकी दवा है। आपको खाज हो जाए, खुजली हो जाए, दाद हो जाए तो बहुत अच्छी दवा है, पुदीने के पत्ते पीसो उसकी चटनी लगा लो, ठीक हो जाएगा। नहीं तो सड़ा हुआ केला है ना, सड़ा हुआ केला वो लगा लिया करो, खाज खुजली दांत सुराई से सब ठीक कर देता है। अच्छा केला तो खाना, और सड़ा हुआ केला शरीर पे लगाओ, दाग धब्बे सब मिटा देता है, दांत खाज खुजली सब ठीक करता। नहीं तो गोमूत्र लगा लो, गोमूत्र लगा के खाज खुजली दांत ठीक हो जाता, बहुत अच्छी दवा। और कई दवाएं हैं अपने घर में, जैसे एक चूना होता है, चूना जो पान में हम खाते हैं, ये बहुत अच्छी दवा है। माताओं के एड़ी में दर्द होता है तो पान वाला चूना खाया करो, दही में डाल के, कनक के दाने के बराबर चूना दही में डालो आधा कप में और खा जाओ, लस्सी में मिला के पी लो, एड़ी का दर्द ठीक कर देता है, घुटनों का भी, कमर का भी, कंधे का भी दर्द ठीक करता है। स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत खराब बीमारी है जिसकी एलोपैथी में कोई दवा नहीं, वो चूने से ठीक हो जाती है स्पॉन्डिलाइटिस, कनक के दाने के बराबर चूना दही में खाते रहो, सारी स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करेगा। कंधों में अकड़ हो गई, जकड़ हो गई, हिलता भी नहीं, चूना खाओ एकदम अच्छे से साफ करेगा।
ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनकी लंबाई बढ़ानी है तो चूना खिलाओ इनको, कनक के दाने के बराबर दही में डाल के, साल भर में सबकी लंबाई बढ़ेगी। ये बच्चों के जिनके दिमाग कम चलते हैं, अकल जिनको कम है, बुद्धि कम है, उनको चूना खिलाओ, बहुत अच्छी अकल होती। आप भी चूना खा सकते हैं, मुंह में ठंडा गर्म पानी अगर लगता है तो चूना खा लो, ठीक कर देगा। किसी को पीलिया हो गया, पीलिया तो चूना ही दवा है और कोई दवाई नहीं, पूरी पूरी दुनिया में नहीं है पीलिया की कोई दवा। ये जो लिफ 52 है ना, ये चूने का पानी है और कुछ नहीं। चूना आता 50 पैसे का, लिफ 52 50 रुपए का, ऐसे लूट मार हो रही है आप। तो चूना खा लो, जॉन्डिस ठीक होगा। पीलिया कैसे खाए? कनक के दाने के बराबर चूना दही में, नहीं तो लस्सी में, नहीं तो गन्ने के रस में, नहीं तो पानी में मिला के पी। किसी पुरुष के वीर में शुक्राणु बहुत कम है, आप उनको चूना खिलाओ, बहुत अच्छे से शुक्राणु बनेंगे। माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, चूना खिलाओ, बहुत अच्छा। मैंने कई ऐसे पति पत्नी देखे जिनको 10-10 साल से बच्चे नहीं थे, उनको चूना खिलाया और बच्चे हो, इतना आसान इलाज। प्राइमरी इनफर्टिलिटी की बेस्ट मेडिसिन है चूना। आप डॉक्टर के चक्कर में सालों साल भटकते रहना, कुछ नहीं होगा। और ये भगवान का दिया हुआ थोड़ा चूना खा लो, सब ठीक। और चूना बहुत सस्ता है, कहीं भी मिलता है, पान की दुकान पे खरीद लो। मैंने देखा चूने से 70 बीमारियां ठीक होती। इसलिए मैं आजकल सबको कहता हूँ, चूना खाओ, चूना लगाओ मत कभी किसी को। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। माता इसको याद रखें, जब उम्र 45 साल की होती है किसी माँ की, 45 या 50 की, तो मासिक धर्म बंद होता है, फिर उसके बाद मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है। उस समय माताओं को जितनी तकलीफ है वो सब चूने से ठीक हो जाती। और कोई माँ गर्भावस्था में है और आप चाहते हो कि उसका बच्चा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उस माँ को जरूर चूना खिलाओ, कनक के दाने के बराबर चूना रोज सवेरे दही में मिला के पिलाओ। और माँ को जो गर्भावस्था में है, रात को दूध में घी मिला के दे दो, तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होगा, स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, कम से कम उसका वजन 2.5-3 किलो होगा और जिंदगी में वो बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। शरीर भी स्वस्थ, दिमाग भी स्वस्थ। चूना ऐसी अद्भुत चीज है। अब मुझे समझ में आया, हमारे पुराने जमाने के जो बुजुर्ग थे वो घर में एक पानदान रखते थे, सबके घर में पान और चूना रहता था, जब भी खाना खाया वो पान में चूना लगा के खा लिया, कोई अतिथि आया उसको खिला दिया। अब मेरे समझ में आया वो कितने होशियार लोग थे। तो आप भी करो, ये पान खाओ चूने का। कत्था मत लगाना उसमें, खाली चूना लगा के, बहुत बढ़िया चीज है। बाल अगर किसी को मजबूत करने हैं तो चूना खाओ, आंखें ठीक रखनी है तो चूना खाओ, शरीर ठीक रखना है तो चूना खाओ। चूना रेजिस्टेंस बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, चूना खून बढ़ाता है। किसी को खून कम बनता है, चूना खिला दो, खून बहुत अच्छे से बने। एनीमिया के पेशेंट को मैं जो है ना अनार के रस में चूना पिलाता हूँ, बहुत तेजी से खून बढ़ता है, बहुत अच्छी चीज है। ये सब घर घर में है, बस आप उस पर ध्यान नहीं देते। मेरी तो यही कहने की बात है कि आप घर की दवाओं पे ध्यान दो, ये बाजार के चक्कर में क्यों फंस गए आप? भगवान ने इतनी चीजें हमको दे रखी है, इनका उपयोग करो। और 100 बातों की एक बात, आपको इतने मैंने नुस्खे बताए, कई बार लोग कहते हैं जी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता या कंफ्यूजन हो जाता है, तो मेरे 100 नुस्खों का एक याद रखना आप, गाय का मूत्र और चूना, बस इसी में जिंदगी कट जाएगी आप। कुछ बीमारी हो गई तो गोमूत्र पी लो, थोड़ा सा चूना खा लो, सब बीमारी ठीक।
आंख की बीमारी है तो गोमूत्र आंखों में डाल लो, एक एक बूंद, आंखें ठीक होती है। कान में तकलीफ है, कान में गोमूत्र डाल लो, कान ठीक होता है। शरीर में त्वचा का रोग है, गोमूत्र लगा के मालिश कर लो, त्वचा ठीक होती है। बहुत लोग ये कहते हैं कि गोमूत्र पियेंगे कैसे, बास आती है, तो दारू कैसे पीते हो? दारू की बोतल पे बोतल गटक सकते हैं, तो गोमूत्र पीने में क्या तकलीफ है? और आपको तो मालूम है गाय का मूत्र प्रसाद बनाता है। हमारे घर में जब सत्यनारायण की कथा होती है, पंचामृत बनता है ना, तो पहले गोमूत्र ही डाला जाता है उसमें। तो जब प्रसाद में गोमूत्र डलता है तो आपको क्या तकलीफ है, पियो। अच्छा, मैं तो कई बार ऐसे मुंह लगा के पीता हूँ, गाय मूत्र देती है ऐसे पी लेता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। फिर कई लोगों को ये लगता है कि इसको छानना चाहिए नहीं छानना चाहिए। अरे गाय के शरीर से ही छन कर आता है, दो फिल्टर उसके शरीर में लगे, किडनी उसके भी है, वो छान के देती, तो डरो मत उसमें। बस इतना ध्यान रखना कि गोमूत्र जब लेना किसी गाय का, तो गाय देशी होनी चाहिए, एक बात, और वो गर्भावस्था में ना हो। तो ऐसी गाय का मूत्र पियोगे तभी लाभ है। विलायती गाय का मत पी लेना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगी आपकी। वो भी मैंने पी के देखा, विलायती गाय का बहुत तकलीफ करता। देशी गाय का पीना, और देशी गाय का ही दूध पियो, देशी गाय का घी खाओ, देशी गाय का मूत्र पियो, सब बीमारी ठीक रहेगी। गांव गांव में तो हर बीमारी का इलाज गाय के मूत्र से और चूने से, चूना हर गांव में, मूत्र हर गांव। तो सब याद ना रहे तो दो चीजें याद रख लो बस, ठीक है? तो बीमारी भी मिटी आपकी, स्वस्थ हो गए, तंदुरुस्त हो गए, और योग प्राणायाम करते रहो तो और अच्छा है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि सारे भारत को स्वस्थ बना दें, बिना पैसा खर्च किए हुए अपने घर की दवाओं से हम हर व्यक्ति को स्वस्थ बना सकते हैं। अब हमारा दूसरा अभियान है कि देश को स्वस्थ बनाना। हमारे देश की बीमारियां हैं वो भी हमें ठीक करनी है, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे गरीबी, जैसे बेरोजगारी, जैसे महंगाई, ये सब बीमारियां हैं देश की, ये भी ठीक करनी। और भ्रष्टाचार इतनी बुरी बीमारी है कि घर घर में, देश की रग रग में घुस गया भ्रष्टाचार। हमारे घर में कोई बच्चे का जन्म हो, वहां से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। उस बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र बनवाना पड़े तो बिना रिश्वत दिए नहीं बनता। और कोई मर जाए घर में तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो तो बिना रिश्वत दिए वो भी नहीं बनता। तो जन्म से मृत्यु तक रिश्वतखोरी है इस देश में, और ये रिश्वतखोरी सारे देश में एक साल में 18 लाख करोड़। लूटखोर नेताओं ने विदेशी बैंकों में 328 लाख करोड़ रुपए जमा कर रखा। 70 बैंक हैं दुनिया में जहां पर ये पैसा जमा, और इनके साथ कुछ लूटखोर अधिकारी भी हैं, उन्होंने भी पैसे जमा कर रखे। तो हमने तय किया है कि ये सारा पैसा जो विदेशी बैंकों में है इसे वापस लाएं, क्योंकि ये देश की संपत्ति है। आपका पैसा है, ये मेरा पैसा है, आपने टैक्स दिया, मैंने टैक्स दिया, ये वो पैसा है जो नेता लूटते। अब बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं क्या ये पैसा आ सकता है। हाँ, ये आ सकता है, इसको वापस लाने के रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया जाए और उसमें ये कहा जाए कि विदेशी बैंकों में जो 328 लाख करोड़ रुपए रखा है उसे भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, और सुप्रीम कोर्ट उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे, तो ये सारा पैसा आ जाएगा। हमने इसी उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा करवाया 6 महीने पहले, एक वकील के मार्फत, उसका नाम है राम जेठमलानी। वो मुकदमा अभी चल रहा है, 2.5-3 साल में इसका फैसला आ जाएगा, और उम्मीद है कि हम जीतेंगे और 328 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा। एक दूसरा रास्ता है कि भारत की संसद में एक प्रस्ताव पास कराया जाए और संसद ये कहे कि जितना पैसा विदेशी बैंकों में है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। और संसद में जब ये प्रस्ताव होगा ना, तो सांसद बहस करेंगे इस पर, उस समय हम देखेंगे कि इसका विरोध कौन कर रहा है। जो विरोध कर रहा है पक्की बात है बेईमान वही है, पैसे उसी के, और जो ईमानदार है वो तो समर्थन करेगा इसका। तो संसद में या तो बेईमान लोग ज्यादा होंगे तो हमारा प्रस्ताव फेल होगा,
या ईमानदार सांसद ज्यादा हुए तो प्रस्ताव पास होगा, प्रस्ताव पास हो गया तो पैसे आ जाएंगे, तो कुछ करना नहीं अपने को। और नहीं हुआ प्रस्ताव पास, इसका माने बेईमान लोग ज्यादा हैं संसद में, तब हम 2014 में एक संकल्प लेकर काम करने वाले हैं। 2014 में चुनाव आएगा संसद का, सारे देश में से हम 400 सांसदों को जिताकर लाएंगे संसद में, जो ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, और उनकी मदद से ये प्रस्ताव फिर पास कराएंगे 328 लाख करोड़ रुपए को वापस लाने का। आप पूछोगे क्या 400 सांसद आना आसान है? हाँ, क्योंकि वो 400 सांसदों को संसद में जिताकर लाने के लिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी खुद एक एक चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, और उनके साथ भारत के बड़े बड़े 70 से ज्यादा संत भी जाने को तैयार है, इसलिए ये आसान है। एक बहुत बड़े संत में जाने के लिए स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी वो तैयार हैं, स्वामी गोविंद देव गिरी जी वो तैयार हैं, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी वो तैयार हैं, परम पूजनीय मुरारी बापू, परम पूजनीय सुधांशु जी महाराज, ये सब तैयार हैं। ऐसे 70 संतों ने संकल्प लिया अभी हरिद्वार में जब कुंभ हुआ था कि हम सब मिलकर ये काम करेंगे। तो अगर 70 संत सारे देश में घूमेंगे और उनके करोड़ों भगत हैं पूरे देश में, तो 400 सांसद क्या 500 भी जीत के आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और ये सांसद जीत के आएंगे तो कानून बनवा देंगे, कानून बनेगा तो पैसे आ जाएंगे, पैसे आए तो उसको बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे। 328 लाख करोड़ है ये पैसे, अगर बैंक में रख दें तो साल का ब्याज आएगा 33 लाख करोड़। अभी हमारा एक साल का कुल बजट है 11 लाख करोड़, फिर हमें मिलेगा हर साल 33 लाख करोड़, माने तीन गुने बजट से तो हम देश को आराम से बना लेंगे, गरीबी बेकारी भुखमरी सब दूर होगी। हमने हिसाब निकाला कि 1.5 साल का अगर पैसा इकट्ठा करें 50 लाख करोड़ होता है, इतने में भारत के सभी गांवों को चमन कर सकते हैं। एक एक गाँव की सड़क बनेगी, एक एक गाँव में स्कूल होगा, एक एक गांव में हॉस्पिटल होगा, एक एक गांव में 100-100 उद्योग होंगे, एक एक गांव में किसानों के खेत को पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, हर व्यक्ति को अपने घर में संडास घर बनाने का, बाथरूम बनाने का, सब सब पूरे देश के हर गांव में ये कर देंगे। 50 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है, सारे गांव हमारे सुखी हो जाएंगे, स्वावलंबी, 24 घंटे बिजली एक गाँव में नहीं जाएगी, ऐसे गाँव बन जाएंगे। और 100 लाख करोड़ मिले तो भारत के सारे शहर भी वैसे ही हो जाएंगे। अब 50 लाख करोड़ गांव को, 100 लाख करोड़ शहर को, 150 लाख करोड़ चाहिए, और हर साल अपने को मिलेगा 33 लाख करोड़, तो 5 साल की आमदनी में ही देश खड़ा हो जाए। और हुआ तो अपने कुछ पड़ोसी देशों का विकास करेंगे, श्रीलंका है, नेपाल है, बर्मा है, भूटान है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, ऐसे भारत के पड़ोस में 70 गरीब देश हैं, इनका विकास करेंगे, दो देशों को छोड़कर, एक पाकिस्तान और एक चीन। वैसे तो पाकिस्तान भी गरीब देश है, इसको कुछ नहीं देने वाले, हाँ इससे तो लेना है, और चीन की भी मदद नहीं करेगा, ये दोनों दुश्मन है हमारे, और ये कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, चाहे हम 100 साल कोशिश करते रहें, कभी भी ये दोस्त नहीं होने वाले। हमारे कितने प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान से दोस्ती की कोशिश की, आप देखो क्या नतीजा निकला। ये पाकिस्तान कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के जैसा है, पत्थर के नीचे 20 साल भी दबा के रखोगे तो टेढ़ी ही निकलेगी, सीधी नहीं होती। तो पाकिस्तान और चीन की तो मदद नहीं करनी, बाकी सबकी करनी है। परिणाम क्या होगा कि बाकी सब देश हमारे दोस्त हो जाएंगे, 70 देश, और ये 70 देश जब अपने दोस्त हो जाएंगे तो इनकी मदद से संयुक्त राष्ट्र में हम भारत के समर्थन में 4-5 प्रस्ताव कराना चाहते हैं। एक प्रस्ताव ये कराना है संयुक्त राष्ट्र में कि जो जमीन भारत से चीन ने 1962 में छीनी थी और जो जमीन भारत की पाकिस्तान के कब्जे में है, ये दोनों जमीनें वापस चाहिए। चीन के कब्जे में हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन है और पाकिस्तान के कब्जे में 18,000 वर्ग मील है, दोनों मिलाकर हमें वापस लेनी है।
90,000 वर्ग मील जमीन है हमारी करीब, ये वापस लेंगे। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में 70 वोटों से एक प्रस्ताव पास करवाना है और वो 70 वोट इन्हीं देशों की मदद से जुटाने हैं जिनकी हम मदद करेंगे, और ये प्रस्ताव पास हुआ तो जमीन वापस आएगी। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर वापस आता है हमारे पास, तब जम्मू कश्मीर की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी, नहीं तो नहीं होने वाली। जिस दिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम ले लेंगे वापस, उसी दिन समस्या समाप्त हो जाएगी। और एक दूसरा प्रस्ताव कराना है, अपना ये जो कैलाश मानसरोवर है वापस लेना है चीन से, ये तो हमारा तीर्थ स्थान है। और इसके लिए क्या करेंगे, चीन की सबसे कमजोर नस दबाएंगे, ये जो 70 देश है ना, इनकी मदद से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव करवाएंगे, तिब्बत को आजाद करो। और जैसे ही तिब्बत की आजादी का सवाल आप उठाओगे, चीन आपके सामने तुरंत सरेंडर करेगा, क्योंकि चीन के लिए सबसे कमजोर है तिब्बत। और 70 देश अगर मान जाए तो तिब्बत तो आजाद होगा ही, फिर चीन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर संयुक्त राष्ट्र की सेना जाएगी तिब्बत को आजाद कराने। और तिब्बत आजाद हो जाए तो भारत हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि फिर चीन और भारत के बीच में तिब्बत आ जाएगा। तो देश की सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए तिब्बत को आजाद होना बहुत जरूरी है। और 70 देश तैयार हैं, बस हमें उनको इकट्ठा करना है। तो पहले हम उनकी मदद करेंगे, फिर वो हमारे साथ आ जाए। फिर एक प्रस्ताव और कराना, अंग्रेजों ने भारत में 250 साल बहुत सारा धन लूटा, वो सब वापस लाना। अंग्रेजों ने हमारा कोहिनूर हीरा लूटा, अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के सोने का सिंहासन लूटा, रॉबर्ट क्लाइव नाम के अंग्रेज ने पानी के 900 जहाज भर के सोने के सिक्के लूटे भारत से, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, डलहौजी ने, लॉरेंस ने, लिलिथगो ने, ऐसे 84 अंग्रेज अधिकारियों ने लाखों करोड़ों की संपत्ति लूटी। और उस पूरी संपत्ति का हमने हिसाब जोड़ा, वो 450,000,000,000 करोड़ की संपत्ति, ये पूरा वापस लाना है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव कराना है और एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा लड़ना है अंग्रेजों के खिलाफ। उस मुकदमे में गवाही के लिए ये 70 देश चाहिए हम, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको भी लूटा, ये सब देश हमारे साथ खड़े होंगे। और वो मुकदमा जीतेंगे हम तो 450,000,000 करोड़ की संपत्ति फिर आएगी भारत, और वो संपत्ति सोने के रूप में लाएंगे हम। और 450,000,000 करोड़ का सोना लाकर अगर भारत में जमा कर दिया जाए तो भारत के रुपये की ताकत डॉलर की तुलना में 50 गुनी बढ़ जाएगी। अभी $1 में 44 रुपए है, फिर ₹1 में $7 हो जाएंगे। जब रुपए की ताकत बढ़ेगी तो जो निर्यात हम करते हैं दुनिया के देशों में, इसकी आमदनी हमारी 50 गुनी बढ़ जाएगी। इस समय हमारा निर्यात 8,00,000 करोड़ का है, फिर वो 400,00,000 करोड़ का हो जाए। और निर्यात से 400,00,000 करोड़ आए और हर साल ब्याज से 33,00,000 करोड़ आए, तो 433,00,000 करोड़ देश की आमदनी हो गई। इस समय देश की आमदनी 11,00,000 करोड़ से भी कम है, और फिर 433,00,000 करोड़ हो जाए तो देश को तो सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बना ले। अब की बार सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे भारत को, क्योंकि सोने की चिड़िया था तो लूट लिया सब विदेशियों ने। चिड़िया कमजोर होती है, शेर मजबूत होता है। सोने का शेर बनाएंगे, अब कोई ना लूटे इस देश को। और एक बड़ा काम होने वाला है कि अगर रुपया मजबूत हो गया, डॉलर कमजोर, तो जो भारतवासी अमेरिका में रह रहे हैं ये सब वापस आ जाएंगे। 2.5 करोड़ भारतवासी आएंगे वापस, तो इनका जो ब्रेन है, इनका जो गरीबी दूर होगी, भुखमरी दूर होगी, बेकारी दूर होगी, और महंगाई दूर करेंगे हम कैसे, जब आमदनी 433,00,000 करोड़ की देश को हो जाए तो टैक्स लेने की जरूरत नहीं, सारे टैक्स माफ कर दो, क्योंकि टैक्स की आमदनी तो 7-8 लाख करोड़ की है, कोई बड़ी बात नहीं, वो हम माफ कर सकते हैं। टैक्स माफ कर दिए तो सारी महंगाई खत्म। मैंने अभी हिसाब जोड़ा, सारे टैक्स माफ करें तो पेट्रोल मिलेगा 16 रुपए लीटर,
डीजल मिलेगा 7.80 रुपये लीटर, रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 45 रुपये, नमक मिलेगा 50 पैसे किलो, आप बस का टिकट खरीदो 100 रुपये का, टैक्स ख़त्म होने के बाद वो टिकट मिलेगा 27 रुपये, रेल का टिकट 100 रुपये का, टैक्स ख़त्म होने के बाद वो मिलेगा 22 रुपये का, सारे टैक्स ख़त्म होंगे, सब महंगाई ख़त्म, पढ़ाई बहुत सस्ती हो जाएगी। अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में 5 साल में 5 लाख खर्च होता है, फिर 50,000 में हो जाएगी वो पढ़ाई। मेडिकल की पढ़ाई में 7-8 साल में 40 लाख खर्च होता है, फिर 4 लाख में हो जाएगी। शिक्षा सस्ती, घर खर्च चलाना सस्ता, पढ़ाई सस्ती, चिकित्सा सस्ती, हर चीज़ सस्ती, तो गरीब आदमी भी जिंदा रहेगा और हर आदमी की आमदनी बढ़ेगी। तो महंगाई ख़त्म, बेकारी ख़त्म, गरीबी ख़त्म, भुखमरी ख़त्म, शिक्षा सबको, पानी सबको, रोजगार सबको, हर चीज़ हो जाएगी और हर आदमी को योग प्राणायाम का ज्ञान दे देंगे हम, तब तक तो सब सुखी स्वस्थ हो जाएंगे। तो ऐसा देश बना, आपकी इसमें मदद चाहिए। आप बोलोगे जी क्या मदद करें, आप हमारे इस अभियान के साथ जुड़ जाओ, मेंबर बन जाओ, तो हमारा ये काम जल्दी होगा। ये अभियान पूरा करने के लिए हमें 5 करोड़ मेंबर चाहिए सारे देश में, तब हमारे 400 सांसद चुनकर आएंगे संसद में, जब 5 करोड़ मेंबर हों। अभी हमारे अभियान में 50 लाख मेंबर हैं, अभी 4.5 करोड़ बाकी हैं। हर व्यक्ति अगर 10-10 मेंबर बना दे तो हमारे 5 करोड़ मेंबर पूरे हो जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करने आया कि आप हमारे अभियान में मेंबर हो जाओ, और मेंबर होने के लिए 11 रुपये का आपसे दान चाहिए। हमारे अभियान में कोई भी व्यक्ति जो मेंबर बनता है उसकी दान राशि 11 रुपये रखी है हमने गांव के व्यक्तियों के लिए। तो आप मेंबर बनेंगे 11 रुपये दान कर सकते हैं, रसीद आपको हम दे देंगे, और वो जो आप 11 रुपये हमें देंगे यही पैसे से हम ये लड़ाई लड़ने वाले, सारी दुनिया के स्तर पर ये काम हमें करना है, इसमें हमारा 250 करोड़ खर्च होने वाला। तो ये पैसा हम चाहते हैं कि भारत के ईमानदार लोगों से, मेहनती लोगों से 11-11 रुपये के रूप में इकट्ठा किया जाए। वैसे तो करोड़पति लोग तैयार हैं हमको पैसा देने के लिए, हमने लेना बंद कर दिया उनसे, नहीं लेते अब किसी से, क्योंकि कौन करोड़पति कहाँ बेईमानी का कौन सा पैसा हमको दे दे हमें तो पता ही नहीं। और बेईमानी का पैसा बेईमान बनाता है आदमी, ईमानदारी का पैसा ईमानदारी लाता है। तो हम चाहते हैं गाँव के मेहनत करने वाले मजदूर हैं, जमींदार हैं, किसान हैं, अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, ऐसे साधारण लोगों से 11-11 रुपये लेकर अपना फंड पूरा कर लें, और हमें 5 करोड़। अभियान जब सफल होगा तो आपको बड़ा गर्व होगा कि आपने एक ऐसे अभियान के साथ अपने को जोड़ा, और ये अभियान सफल होने ही वाला है क्योंकि एक सन्यासी ने शुरू किया है ये, और सन्यासी जब भी कोई काम भारत में करते हैं भगवान भी वो काम पूरे करा देते हैं। हमारे देश में एक सन्यासी थे, 1857 में उनका नाम था परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने एक अभियान शुरू किया था भारत की आज़ादी का, क्योंकि अंग्रेज जो उस समय राज करते थे देश में, तो उनके अभियान में भगवान ने 7,32,780 क्रांतिकारियों को भेज दिया। नाना साहब पेशवा, तांतियां टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, शहीद आजम भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारी किसी सन्यासी के अभियान में आ गए। वो सन्यासी तो चला गया 1875 में, माफ करना 1894, लेकिन अभियान में जो जुड़े क्रांतिकारी उन्होंने तो देश को आजाद करा दिया 1947। तो सन्यासी जब कोई काम करता है तो ऐसे सफल होता है। अब फिर एक सन्यासी हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने ये अभियान शुरू किया और देश को समृद्धशाली बनाना है, वैभवशाली बनाना है, गरीबी भुखमरी बेकारी से मुक्त करना है, बीमारी बुराइयों से मुक्त करना। तो फिर सारा देश इकट्ठा हो रहा, फिर लाखों लाखों क्रांतिकारी आएंगे, फिर लड़ाई होगी। पहले गोरे अंग्रेजों से हुई थी, अब काले अंग्रेजों से होगी लड़ाई, तो फिर होने वाली। अब आप सब इस अभियान में जुड़ जाएंगे तो ये लड़ाई हम जल्दी जीतेंगे, यही मेरा आपसे निवेदन। और आप जुड़ेंगे, दूसरों को भी जोड़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सब ईश्वर की प्रेरणा से इकट्ठे हुए हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम पुराने बिछड़े हुए ही क्रांतिकारी हैं जो अब फिर इकट्ठे हो रहे हैं।
1857 में परम पूजनीय दयानंद सरस्वती ने इकट्ठा किया, अब 2010 में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी इकट्ठा कर रहे हैं। हैं दोनों एक ही परंपरा के सन्यासी। जिस परंपरा के स्वामी दयानंद जी थे उसी परंपरा के स्वामी रामदेव जी। तो मुझे तो लग रहा है ये ईश्वर की कोई लीला चल रही है, ईश्वर की कोई प्रेरणा से ये काम हो रहा है और हम सब भी ईश्वर की प्रेरणा से इस काम में जुड़ गए। मैं आया, आप आए, ऐसे 50 लाख लोग आ गए, 4.5 करोड़ और आएंगे तो काम तो होने वाला है। तो आप सब इस अभियान में जुड़ें और अपनी अपनी आहुति इस अभियान के लिए दें। 11 रुपये का जो दान है वो आपकी आहुति है एक तरह से, और आपकी जो मेंबरशिप है वो हमारी ताकत बनने वाली है। 5 करोड़ लोगों की ताकत इस देश में 400 सांसदों को संसद में पहुंचा देगी। तो ये दोनों तरह से हमें अभियान सफल करना है। यही निवेदन करके मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा। आप सब इतनी देर यहाँ बैठे रहे, मेरी बातों को शांति से सुनते रहे। मेरा निवेदन है कि ये बातें आप दूसरों को भी सुनाएं। जितने ज़्यादा लोगों तक ये बात आप पहुँचाएंगे उतना जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। मैं आपसे कहूँगा भारत माता की, हम सब बोलेंगे जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। जिन्होंने इतनी बहुमूल्य बातें हमें बताई, अब हमारा ये धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हम इस एक एक बात को अपने पूरे गांव में, अपने पड़ोसियों के पास, अपने संबंधियों के पास, हर जगह भी दें। तो अभी मैं सतपाल जी और ओम प्रकाश जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वो शाल ओढ़कर भाई राजीव जी का आभार प्रकट करें। बीएमओ साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो साथ आए। बीएमओ साहब, राज्य प्रभारी महात्मा राम बिच्छू जी, प्रधान शर्मा जी, देवर जोरा जी जो मंडल प्रभारी हैं, हमारे मंडल प्रभारी अपने नहीं दिखा दे रहे वो कहाँ है, सह राज्य प्रभारी और योगराज जी मंडल प्रभारी उधमपुर रियासी, राजीव जी सामने ये दूसरा शिक्षा लेकर भी आभार प्रकट करें। इसके बाद मक्खनलाल जी और हिमराज जी भी, रायकुमार जी साहब देन का, रायकुमार जी हिमराज जी। अभी इसके बाद हम एक पौधारोपण जहां पर करवाएंगे, डॉक्टर केसी शर्मा जी, पंडित परमानंद जी, सुदेव जी, अभी इसी प्रांगण में एक पौधारोपण, भाई राकेश जी पौधारोपण होगा और हम सब गांव वासियों का यह फर्ज बनता है कि उस पौधे को इस तरह से बढ़ाएं। थोड़ा सामने सामने मीटिंग चले 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 ले जाना। नहीं 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 कोई नहीं, लाइन तो सुन बड़ा हो गया ना बड़ा।